करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं साफ करूंगी, तुझे लगता है? अच्छा तू साफ नहीं करेगी, किसी से करा तो सकती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आंटी। ओ हेलो आंटी जी, बहन जी जी, यहीं चमकाती रहोगी? अपने हाथ जरा वहाँ भी कष्ट दे दो, साफ कर दो हमारी गाड़ी। अरे चल 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 गाड़ी साफ कर, चल 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 कर दी ना, एक मिनट एक मिनट निशल। अरे क्या लिखा? ध्यान से सुनिए, मैं कोई काम साफ करने नहीं आई हूं। कौन से लहसुन अदरक प्याज हमें नहीं पता, गाड़ी साफ कर रहे हैं वो कर दे। देख लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए, यहाँ कर रहे हैं पहले इसको करते हैं यार। अरे क्या बता रही है? अरे कह तो रहे पैसे दे देंगे, फ्री में थोड़ी करवा रहे हैं। अगर इतना ही पैसा ना तो किसी और को पैसा देके अपनी गाड़ी सफाई कर लो भैया, एकदम लेट हो रहे, ऊपर से ये मिल गए। देख तू यहाँ काम कर रही है, अरे इसे कर ले भाई, इसे कर दे, दो मिनट लगेंगे, कर देना। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी, क्या बदतमीजी कर देगी तो क्या चला जाएगा? अबे बड़ी ऐठ रही है तू तो, ज्यादा ना भाव मत खा, पैसे ले लियो 10 रुपए साफ कर। चल ठीक है 20 रुपए। अच्छा बात पैसे की है ना, ऐसा है मैं 1000 रुपए देती हूँ, मेरी कार की सफाई कर दो। अबे साली क्या बोला, माइंड योर लैंग्वेज, तुमने मेरी बहन को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, वो गाड़ी की कार साफ करने वाली इतनी ऐड दिखा रही है, अरे तुझे यही तो बोला और क्या, पहाड़ खोदने को थोड़ी कह दिया। बहन जी पागल वागल हो गई है क्या? दीदी ये आपके खर्चे में ले रही है, आप मुझसे अपना रोब दिखाओ। मैं बताती हूँ क्या बहन जी, किसको जरा वहाँ का गुजरी जरा, हाँ क्या है बहन जी, किसको बोली, किसको बोली बहन जी, हाँ बोल ना, क्या क्या करती की नहीं साहब, ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, अरे धक्का मार रही हो, क्या है धक्का मारेगी, 2 मिनट के लिए कार साफ करने के लिए बोला है, कर तो रही है, यहाँ कर देगी तो क्या चल गिर जाएगा। खुद की कार है, मैं क्यों करूं, तेरी खुद की कार है, अपने हुलिया देख नंगे पैर तू है, कार में लग रही है ये दिखनी रहा सैंडल, ओ सैंडल भी वो 50-50 वाले, उसमें भी वो की पड़ी है, किसने ये लगे पड़े पहने होंगे, अरे दे दियो, बहुत बोल रही है, ए बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है, हां अपनी हद में रह, उससे सिर्फ कहा है इसे साफ कर दे, तेरी आपने इसे कम मार रहे हो, इसको पकड़ के मोड़ दो, क्या बात है, कौन सी चक्की का आटा खाती है भाई, ताकत तो इसमें बहुत है, अब पहलवानी दिखा रही है, बहन की टक्की तेरे को समझ, क्या होता है ये सस्ती सी साड़ी पहनकर, यहाँ पे तो कारे साफ कपड़ी सस्ती रही है और तू हमें सिखा रही है, पहले खुद तो सीख ले, बोल ना क्यों बोलती बंद हो गई, बोल बंद बोलने दोगे तब तो बोलूंगी, हाँ क्यों, तुम्हारे जैसे ना नंगे पुंगे रहने की आदत नहीं है, नंगे पुंगे ड्रेस वैसा पहनो ना, व्हाट डू यू मीन नंगे पुंगे, ये जो फैशन है हमें नंगे बोला, रुक तू लेसन नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मजा आया तेरे को, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, कैसे इंसान हो तुम लोग, शर्म नहीं है, नहीं है इतनी देर से मुझे बजा रही, हमें शर्म सिखाएगी, शर्म है पहले बोलने का लहजा तो सीख ले, हमारे जैसों के मुंह लग रही है, तेरी औकात ही क्या है, पहले तो जाके ना हर काम कर, इतना सा काम बोला और तू हमारे सिर चढ़ गई, कार सफाई वाली दिख रही है जो मैं तुम्हारी कार की सफाई जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, तू काम वाली होकर अपने काम से जीत को चुराती है, पैसे दे रहे हैं ना, कितना पैसा चाहिए तेरे को, है जरा सा काम, अबे तेरी बहन की बहन और खानदान वालों को तो जाना मत, क्योंकि तुम लोग जैसे ना तुच्छे नहीं है, हम लोग तुच्छे नहीं है, काम अपने देख औकात देख, है मार को बोल रही है तू हमको सिखाएगी, तू अनपढ़ खुद है गवार कहेंगी, और तू भी ले, बहुत बकवास होगी तेरी, अब सुन मैं हूँ कौन, कौन है तू, तेरे को सुनने में ना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिख रहा है तू कौन है, क्या कर रही है यहाँ पे, और जो तुम लोगों ने किया ना तुम लोग को पता भी नहीं है कि तुम लोग पे कौन कौन सी धारा लगेगी, धारा लगाएगी है कौन तू, आईएएस आईएएस ऑफिसर मिस प्रीति सिंह,
लग रहा पागल हो गई है। मिस प्रीति सिंह का नाम लेके सिंह का नाम ही हमें डरा रही है। पागल है क्या ये? डराने की बता रही है, शायद न्यूज में तुम लोगों ने सुना भी होगा, प्रीति सिंह शहर की नई आईएएस ऑफिसर मिस प्रीति सिंह अभी यूपी से दिल्ली आई है न्यू आईएएस ऑफिसर। अरे मैम आप, हमें क्या पता था कि आप ऑफिसर है? और आप गाड़ी साफ कर रही थी, हमें लगा अरे मेरी खुद की कार है, मेरे सफाई वाला आज नहीं आया तो मैंने सोचा कि खुद अपनी कार की सफाई कर लेती हूँ। सॉरी मैम हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैंने बोला ना तुम दोनों के ऊपर एक्शन होगा, लीगल एक्शन, क्योंकि ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर के ऊपर तुम दोनों ने हाथ उठाया। मैम सॉरी कहते रहे, सॉरी जो तुम लोगों ने व्यवहार किया हो ये सॉरी के लायक है। मैम प्लीज जाने दीजिए, अर्जेंट मीटिंग है हमारी। अच्छा मैंने जब बोला था कि मुझे मीटिंग में जाना तब तो तुम दोनों बदतमीजी कर रहे थे, तुम दोनों को मीटिंग में जाना है। मैम हमें लगा कि ऐसे गंदे संदे कपड़े पहनने वाला। अच्छा ये गंदे संदे मतलब मैं साड़ी पहनी हूँ तो गंदा संदा है? अगर पूरा मेरा तन ढका है तो मेरा मतलब गंदा संदा नहीं था। मैम मेरा मतलब ये था कि इतने सस्ते कपड़े कोई ऑफिसर थोड़ी पहन सकता है। और सस्ते हो या महंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को कपड़े वही पहनना चाहिए जो पूरे तन को ढक सके। दीदी मैं गाड़ी में बैठू। कहाँ गाड़ी में बैठू? मैम प्लीज चलो थाना चलो। मैम 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 सॉरी मैम, मैम नहीं करेंगे दोबारा। मैम